मैं कह के गई थी कि मैं टॉप 3 में आने वाली हूँ, मैं टॉप 3 में मुझे जाना ही जाना है, लेकिन नहीं। अच्छा सॉरी। नो आई हैवन मेड शेजान, उसके साथ दोस्ती अभी नहीं हुई है, वो मेरे पिछले 10 साल से दोस्त है और बस हम थोड़े टच में नहीं थे बीच में, बट हमने बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज गुजारी हैं एक दूसरे के साथ। तो अभी तो मतलब साउथ अफ्रीका में मेरा पहला शो है, रियलिटी शो, और शेजान भी है उसमें, और हमने कभी एक साथ काम भी नहीं किया है, तो बड़ा मज़ा आया। भाई है मेरा, मैंने तो कसम खाई थी खतरों में भी कि मैं किसी स्टंट को मना नहीं करूँगी, मैं किसी और चीज़ को कैसे मना कर सकती हूँ। बट दो चीज़ हैं, आप बहुत ही हंसने वाले हैं मेरे स्टंट्स देखकर, और दूसरी चीज़ आप बहुत प्राउड होने वाले हैं ये देखकर कि मैं सारे स्टंट्स परफॉर्म कर रही हूँ। टेली रिपोर्टर के सारे व्यूअर्स को मेरा लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। कमाल अंदाज के साथ यू बैक टू इंडिया, राइट? और सबसे बड़ी बात है कि जब आप अपने घर आते हैं तो फूड इज समथिंग व्हिच यू फील लाइक है ना, दैट समथिंग। तो वहाँ के खतरों वाले खाने से भी यू मस्ट हैव बीन देयर, तो हाउ इज इट फील यू कम बैक टू इंडिया? पहली बात तो घर आकर कैसा लग रहा है? पहले बात तो घर का खाना खा के इतना मजा आ रहा है ना, मतलब एक महीने से हम, लेकिन वहां पर भी जो खाना मिला था बहुत ही देसी था, दाल चावल सब्जी रोटी सब मिल रहा था, बट मम्मी के हाथों का खाना जो है वो उनका तो अलग ही टेस्ट है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इंडिया आके जब मैं एलिमिनेट हुई तो मैं रोई भी नहीं, मतलब मैं इतनी खुश थी कि मुझे इंडिया जाने का मौका वापस मिल रहा है। दुख इस बात का था कि मैं, मैं कह के गई थी कि मैं टॉप 3 में आने वाली हूँ, मैं टॉप 3 में मुझे जाना ही जाना है, लेकिन नहीं। अच्छा सॉरी। ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी मैं आप लोगों को, लेकिन इंडिया के बहुत मजा आ रहा है। जितना भी समय वहाँ पे गुजारा है, one thing which we have like got to know that Shizan is very dearest friend you have made, right? So Shizan has no, I haven't made Shizan, उसके साथ दोस्ती अभी नहीं हुई है, वो मेरे पिछले 10 साल से दोस्त है, और बस हम थोड़े टच में नहीं थे बीच में, बट हमने बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज गुजारी हैं एक दूसरे के साथ। तो अभी तो मतलब साउथ अफ्रीका में मेरा पहला शो है, रियलिटी शो, और शेजान भी है उसमें, और हमने कभी एक साथ काम भी नहीं किया है, तो बड़ा मज़ा आया। भाई है मेरा, और वो मुझे अज्जू भाई बोलता है। सो दो भाई मिले, और उसने एक बहन की तरह मेरी केयर की है वहाँ पे, नॉट जस्ट शेजान बट अर्जित है, अंजलि, सुंदुस, डेजी, शिव, सब लोगों ने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा है, और मैंने जिनके नाम नहीं लिए हैं वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। हम साथ में सब डिनर के लिए बैठते थे रात में साउथ अफ्रीका में, एक दूसरे की टांग खींचते थे, एक दूसरे से इतना मजाक करते थे। ऑन स्क्रीन शायद थोड़ी तू तू मैं हो जाए, या स्टंट्स को लेके कुछ हो जाए, या किसी की परफॉर्मेंस को लेके हो जाए, लेकिन कैमरा ऑफ होते ही सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे। या चोट भी आपकी आपको काफी लगी, वी कैन सी आपके जो घुटने हैं वो जख्मी हैं। हाँ, अभी तो घुटने ठीक हो गए हैं, लेकिन जब मैं आई थी, जब स्टंट वो हुआ था, तो खून निकल रहा था मेरे घुटनों से, और मुझे बहुत ही ज्यादा बहुत ही बुरा मसल स्पैजम हुआ था, मैं अपना राइट हैंड ऊपर नहीं कर पा रही थी। मैं आई थिंक कोई तो हाइट स्टंट था, और मैं ऐसे गिरी, और मैं हार्नेस पे थी, और मुझे यहाँ पे पूरा यहाँ पे ये इतना बड़ा सूज गया था यहाँ पे और यहाँ पे, बिकॉज वो नेक पे स्ट्रेन आया, तो चोट तो बहुत लगेगी ही, बिकॉज स्टंट बेस्ड रियलिटी शो है, और खतरों का सामना कर रहे हैं तो थोड़ी चोट तो लगेगी। तो मैं इस चोट का नाम मैं देना चाहूँगी बैटल स्कार्स। तो मैं एक वॉरियर हूँ, और मैं लड़ाई जंग जीत कर आई हूँ, जीत या हार जो भी करके आई हूँ, बट ये मेरे बैटल स्कार्स हैं, और ये ऐसे ही रहेंगे, और मैं उनको कभी ठीक नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे याद दिलाते रहेंगे कि हाँ, मैंने एक जंग लड़ी थी जिंदगी। खतरों के खिलाड़ी ने कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई होंगी, तो क्विकली दो चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ, विच खतरों के खिलाड़ी हैव गिवन टू यू एज अ लर्निंग, एज अ चेंज इन योर पर्सनालिटी और सोल। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, केप टाउन फ्लाई करने से पहले कि मैं बहुत नर्वस थी, डरी हुई थी, एंड बड़ी ही कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत लो था, बिकॉज हाँ, लाइक मैं कैसे कर पाऊँगी। मैंने और लोगों को भी कहा है कि मैं 6 फुट की दिखती हूँ, लेकिन मैं एकदम नाजुक सी कली हूँ, लाइक मुझसे नहीं होता ये सब। तो
एक चीज ये हुई है कि जो मैं डर के गई थी मैं निडर होके वापस आई हूँ, और जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल टूटा हुआ था वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके मैं वापस आई हूँ। अब चाहे जिंदगी मुझे कौन सा भी स्टंट दे दे, आई थिंक मैं आंख बंद करके उसे परफॉर्म कर लूंगी। यस आफ्टर खतरों के खिलाड़ी व्हाट्स नेक्स्ट बिकॉज़ वी हैव सीन यू इन टीम इन डबल्स परफॉर्मेंस कि यू आर दैट चुलबुली गर्ल एक हाई शॉर्टी वाली एंड आई एम आल्सो 6 फीट टॉल बिकॉज़ आई हैव सीन यू एट माय होम सो व्हेनेवर आई मीट पीपल आई हैव सेड दिस टू समवन कि हाई शॉर्टी एंड ही हैज टेकन इट एज लाइक अरे यू ब्लॉग मी आई लाइक के यार तो वी मिस यू एज वेल ना ऑन टीवी तो व्हाट्स अप विद दैट वी वांट टू सी यू विद दैट बबलीनेस डूइंग ऑन टीवी व्हाटएवर ये अब मैं इतना कुछ ज्यादा बता नहीं पाऊंगी बट देयर इज कि समथिंग क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, बिकॉज मैं अभी अभी जस्ट आई हूँ और आते ही मैं हॉलीडे पे चली गई। मैं कल मुंबई वापस आई हूँ, आज आपके साथ इंटरव्यूज दे रही हूँ। तो अभी तक मेरा एज सच कोई प्लान ऑफ एक्शन है नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि आई विल स्टार्ट गिविंग ऑडिशंस नाउ। अभी तो मेरा थोड़ा ब्रेक चल रहा है क्योंकि मैंने सोचा कि अभी इतने खतरों से लड़के आए हैं तो थोड़ा आराम करना बहुत ज़रूरी है। तो देखती हूँ, आफ्टर 15-20 days आई विल स्टार्ट ऑडिशनिंग फॉर न्यू थिंग्स एंड आई विल लेट यू नो। Quickly, TV, Bollywood, OTT, what you'll be choosing last? First TV, then OTT, and then Bollywood. मतलब you have a plan all of it, right? हाँ, मतलब आई विश And टू। you'll not say no to anything. मैंने तो कसम खाई थी खतरों में भी कि मैं किसी स्टंट को मना नहीं करूंगी। मैं किसी और चीज को कैसे मना कर सकती हूँ? मुझे सब करनी है, एक ही जिंदगी है यार, एक जिंदगी में सब कुछ करना है। कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए 60 साल की उम्र में कि ओहो ये नहीं किया। बट वैसे जब भी बोले जब दांत निकल जाएंगे तो हम रिग्रेट बिल्कुल नहीं यार करेंगे उतना तो मैं नहीं जीने वाली, क्योंकि सब लोग आई थिंक 60-70 की एज में ही टपक रहे हैं आजकल। ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आई थिंक, और वैसे मेरे मेरे पास भी कुछ ज्यादा साल है नहीं, आई एम ओल्ड। यस क्विक मैसेज टू फैंस योर जवाब आई थी एनीवे राइट क्विक मैसेज टू योर फैंस दे वांट टू सी यू मोर एंड मोर एंड कमाल अंदाज से आती हो आर द खतरीली लड़की वी हैव इन द हाउस मैं फैंस को यही बोलना चाहूंगी कि जैसे लोगों ने मुझे सृष्टि का किरदार निभाते हुए देखा है एकदम, मैं उसके बिल्कुल परे और ऑपोजिट आपको खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में देखने वाली हूँ। बट दो चीज़ हैं, आप बहुत ही हंसने वाले हैं मेरे स्टंट्स देखकर, और दूसरी चीज़ आप बहुत प्राउड होने वाले हैं ये देखकर कि मैं सारे स्टंट्स परफॉर्म कर रही हूँ। सो यू गाइज विल बी इन फॉर अ सरप्राइज। बहुत रोई हूँ, बहुत डरी हूँ, लेकिन सब कुछ किया है मैंने। सो स्टे ट्यून्ड, जुलाई 15 से स्टार्ट हो रहा है खतरों के खिलाड़ी सीजन 13, सैटरडे संडे 9 PM। टेलीचस्का के सारे व्यूअर्स को